द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की, देखेंगे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता क्या है, और एक्चुअली डिफ्यूजन ऑल्सो प्रोवाइड एन एविडेंस फॉर दिस फैक्ट दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग. जो सेकेंड एजम्पशन हमने अभी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पीछे पढ़ी, उसमें हमने बात की कि सेकेंड एजम्पशन ये है कि ऑल द पार्टिकल्स जो हैं, जो भी मैटर के अंदर होते हैं, वेदर दे आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो वो मूव करते हैं. तो ये मूवमेंट की एविडेंस जो है इज ऑल्सो बींग प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन पहले देख लीजिए डिफ्यूजन है क्या. दिस इज द प्रोसेस by which particles move from the area of higher concentration to the area of lower concentration. कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से ये लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ पार्टिकल्स जो हैं वो खुद ब खुद मूव करते हैं स्पॉन्टेनियसली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं. दिस डिफ्यूजन is very much evident in gases. Gases के अंदर यह process बड़ा evident है. मिसाल के तौर पर two containers के अंदर two different gases are present. दो different gases इस jars के अंदर, एक jar के अंदर देखिए NO2 है which is brown in color. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन कलर्ड गैस, ब्राउन कलर है इसका. तो इसके अंदर एयर है, दिस इज एम्प्टी जार, ये खाली है. तो अगर आप इस जो सेपरेशन है इसको हटा के इफ यू इन्वर्ट दिस जार ऑन दिस जार, इस जार को आप इसके ऊपर रख दीजिए और बीच में से जो सेपरेशन है उसको निकाल दीजिए, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, और ऊपर वाले गैस जार का जिसका पहले कोई कलर नहीं था उसका भी कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा. अब ये चीज या ये बात जो है दो चीजें एक्सप्लेन कर रही है. एक तो ये है कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि वे पार्टिकल जो है वो ये प्रोसेस जो है वो आल्सो इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. कि भाई यहां पे वो पार्टिकल ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद थे, आपने ये जगह प्रोवाइड की, तो वो पार्टिकल्स रैंडम मोशन की वजह से यहां तक चले गए. सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं. डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम, उसे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं. एक्चुअली जब डिफ्यूजन होता है तो गैसेस कवर सम डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कि कितने वक्त में उसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, टाइम टेकन. तो दैट वुड गिव अस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोवाइड कर देगा. रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का डिपेंडेंस जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर है. नंबर वन इज द टेम्परेचर, नंबर वन इज द मोलिकुलर मैस और द पार्टिकल मैस. मोलिकुलर मैस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर MR दैट मीन मोलिकुलर मैस ऑफ द पार्टिकल इज मोर अगर मैस ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा है, इज लो, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लो.
तो इट मींस हैवियर मॉलिक्यूल्स मूव विद लेसर स्पीड. जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम स्पीड के साथ मूव करते हैं. सो द लाइटर मॉलिक्यूल्स और द लाइटर पार्टिकल, द पार्टिकल विच हैव लोअर मैसेज हैज हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, पता कैसे चलेगा? इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो हाउ विल यू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज? तो इसकी मैस ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन टेक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल विच इज वन. तो सिंस देयर आर टू एटम्स, सो द टोटल मैस ऑफ द पार्टिकल इज टू ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन का देखिए तो वन एटम का मैस 14 है फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, दूसरा भी 14, सो इट इज 28. सो एज द मैस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन वुड बी लेस एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर के हाउ यू कैन कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ द मोलिकुलर मैसेज. वंस अगेन आई रिपीट कि कोई भी दो गैसेज का आपने अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है, मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं. आप HCl और NH3 का करना चाह रहे हैं, बोथ आर गैसेज. तो वॉट इज द वे टू डू इट? टेक देयर रिलेटिव एटोमिक मैसेज फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन का मैस 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, दोनों को ऐड करिए, वुड गिव यू 36.5. नाइट्रोजन का 14 है फ्रॉम पीरियोडिक टेबल प्लस 1 × 3. हाइड्रोजन का 1 है लेकिन 3 हाइड्रोजन है, द आंसर कम्स आउट टू बी 17. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज अप्रोक्सीमेटली हाफ एज कंपेयर टू द रेट ऑफ अमोनिया, क्योंकि इसका मैस जो है वो इससे तकरीबन डबल है, इस वजह से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इससे तकरीबन हाफ हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर हाउ द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड. सेकंड फैक्टर जो है इज द टेम्परेचर. सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया जाए तो यकीनन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज. सो मोर द टेम्परेचर, मोर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन. RD मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन. सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल वुड गेट मोर एनर्जी, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनका स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगी तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा हो जाएगा. अब मैं दो ऑपरेटसेस आपको बताता हूं बाय विच यू कैन मेजर दी, यू कैन कंपेयर रादर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस. पहला ऑपरेटस या एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट, ताकि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर सके. इसमें कुछ अपरेटस ऐसा है कि यू हैव टू टेक अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. अब आपने करना क्या है कि यहां पर आपके पास HCl का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, HCl गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, HCl गैस इन वाटर, तो वो HCl सॉल्यूशन कहलाता है. एंड ऑन दिस साइड यू हैव अमोनिया गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, अमोनिया गैस इन वाटर, पानी के अंदर है आपके पास. अब आपने क्या करना है, टेक अ कॉटन स्वैब, कॉटन को लीजिए, इसके अंदर डिप करें, उसी वक्त एक दूसरे कॉटन को इसके अंदर डिप करें. ये हमारे पास कॉटन है, इसके अंदर सॉल्यूशन सोक हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे कि इस कॉटन को इस जगह पे लगा दीजिए और उसी वक्त इस कॉटन को भी इस जगह पे लगा दीजिए. अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इस जो ग्लास ट्यूब का है वो 100 सेंटीमीटर है. नाउ वी सपोज कि यहां से ये HCl में सोक है, तो यहां से HCl गैस जो है वो वेपोरेट करेगी, इधर जाएगी, इधर से अमोनिया वेपोरेट करेगी, इधर जाएगी. ऑल्दो दे विल गो ऑल द फोर साइड्स, लेकिन हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं. अब यह है कि जहां पे ये दोनों गैसेस आपस में मिलेंगी तो दे हैव द एबिलिटी टू रिएक्ट विद ईच अदर. नाइट्रोजन गैस HCl के साथ रिएक्ट करे तो दे फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड. अब अमोनियम क्लोराइड जो है इसके व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, स्मोक सा होता है व्हाइट. तो वेयर एवर दे मीट, जिस जगह पे ये आपस में मीट करेंगी, तो वी विल ऑब्जर्व अ व्हाइट स्मोक, थोड़ा सा इस तरफ करके इस जगह पे यू विल गेट अ व्हाइट स्मोक, शोइंग
कि अगर आपने इनको इकट्ठा रखा है, छोड़ा है यहां से, तो दे हैव अराइव्ड ओवर हेयर, इस जगह पे। तो अगर आप मैयर करेंगे तो दिस वुड बी रफली डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अमोनिया साइड एंड वुड बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम HCl साइड। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज क्लियरली शोइंग कि रेट ऑफ अमोनिया इज मोर देन द रेट ऑफ HCl, बिकॉज जब हमने लगाया था तो एक ही वक्त पे लगाया था, तो उतने ही वक्त में अमोनिया ने जो है वो 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 40 सेंटीमीटर। सो मोर डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल बाय अमोनिया इन द सेम प्रोवाइडेड टाइम, सो इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन वुड बी मोर। तो दिस इज द एपरेटस विच कैन बी यूज टू मेजर द रेट ऑफ द टू कंपेयर द रेट ऑफ द टू गैसेस। दूसरा द सेकेंड एपरेटस और एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द रेट्स ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, ये एक पोरस पॉट है जिसके नीचे एक यू शेप ट्यूब लगी हुई है। ये इसका जेट सा है, वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑन वन साइड। ये पोरस पॉट है, इसके अंदर सुराख है यहां पे। इसके अंदर आपने वाटर फिल किया हुआ है, कलर्ड वाटर हो तो ज्यादा बेहतर है, इजी हो जाएगा हमारे लिए ऑब्जर्व करना। ये इसके अंदर कलर्ड वाटर है। अब इसके अंदर कोई एक गैस एनक्लोज है, लाइक सपोज कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर है, तो इसके ऊपर आपने एक और गैस कंटेनर इसके ऊपर इस तरह कर दीजिए। सपोज दिस गैस इज नाइट्रोजन गैस। अब हमें पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 व्हाइल दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सो वी सपोज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज फार मोर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन। नाउ व्हाट विल हैपन कि जो नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम है, तो मोर हाइड्रोजन वुड गो आउट, although some nitrogen would also come in, but the rate of coming of nitrogen into the gas jar is very very small as compared to the rate of diffusion of hydrogen which is going out. usse kya aayega ki iske upar there was a pressure of hydrogen first, pressure of hydrogen tha is jagah pe, so since more hydrogen has gone out to pressure yahan par kam ho jayega. pressure kam hone se kya hoega, वाटर का लेवल इन दिस लिम विल राइज और इस लिम के अंदर जो है ये नीचे मूव करेगा, विच विल शो, जो क्लियरली शो करेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा था और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन जो था वो कम था। अब इसी तरह से अगर इन दो की जगह आप नाइट्रोजन की अंदर बाहर है और आप अंदर हाइड्रोजन की बजाय एक और गैस लेते हो विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का MR दैट मीन मास इज 28 ऑल्सो, सो बोथ गैसेज हैव सेम मॉलिक्यूलर मैसेज, दैट इज वाई देयर रेट वुड बी सिमिलर, दोनों का रेट भी बराबर होगा, तो यू विल ऑब्जर्व नो चेंज इन दी वाटर लेवल्स ऑन बोथ साइड, यहां पे और यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर दो अननोन गैसेज हैं, आपको नहीं पता कि इन यहां गैस जो है उसका MR क्या है, यहां गैस जो है उसका मास ऑफ पार्टिकल क्या है, तो फिर आप यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर तो ये लिंब ऊपर राइज कर रहा है तो इसका मतलब यहां कोई लाइटर गैस है जो अंदर आई है, यहां उसने प्रेशर इंक्रीज किया है जिसकी वजह से ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो इसका मतलब यहां लाइटर गैस है जो बाहर ज्यादा चली गई। अगर दोनों लिम्स में आपको कोई चेंज नजर नहीं आता तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि बोथ द गैसेज एडमिन द गैस प्रेजेंट हेयर एंड द गैस प्रेजेंट हेयर दे हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखते हैं क्या डिफ्यूजन इन लिक्विड्स होती है। क्या लिक्विड में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है? तो द आंसर इज येस। लिक्विड्स चूंकि रैंडमली इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस मीन, लिक्विड का मतलब अकेला अगर प्योर है तो सॉल्यूशंस में सॉलिड जो है दे कैन नॉट डिफ्यूज सिंस दे कैन नॉट मूव
रैंडमली, दे कैन वाइब्रेट एट देयर पोजिशन. सो सॉलिड सोल्यूशन की फॉर्म में मूव कर सकते हैं और सोल्यूशन में लिक्विड ही की वजह से सॉलिड जो है वो मूव करते हैं. लुक एट फ्यू एग्जाम्पल्स. पानी का एक कंटेनर लें, यहां पे फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 रख दें विच इज पर्पल इन कलर. KMnO4 के फ्यू क्रिस्टल्स इसमें पानी फिल कर दें बड़ी एहतियात से और छोड़ दें इस पानी को फॉर सम टाइम. तो आप देखेंगे थोड़े दिनों थोड़े आवर्स के बाद यू विल सी होल वाटर यहां पर पर्पल हुआ होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर. तो इसका मतलब ये है कि असल में ये सॉलिड नहीं मूव कर रहा, लिक्विड के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जो इसके साथ जाके टकराते हैं, इसको अपने अंदर डिजोल्व करते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन होल वाटर. सिमिलर थिंग कैन बी ऑब्जर्व बाय द कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स. कॉपर टू सल्फेट इज ब्लू इन कलर, उसके भी क्रिस्टल्स आप यहां रखिए, ब्लू इन कलर है इसके भी क्रिस्टल्स. पानी डालिए एंड गिव इट सम टाइम, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि होल ऑफ वाटर विल बिकम लाइट ब्लू, पूरा पानी जो है वो लाइट ब्लू हो जाएगा विच विल शो. एक्चुअली फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये सॉलिड पार्टिकल जो है दे डोंट मूव, खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते. एक्चुअली व्हाट हैपन, द लिक्विड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल कम हियर, स्ट्राइक विद देम, रिमूव दीज पार्टिकल फ्रॉम द सॉलिड क्रिस्टल और सॉलिड के पार्टिकल जो अपने अंदर डिजोल्व करते हैं और थोड़ा थोड़ा उनको फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो दीज एग्जाम्पल्स शो दैट लिक्विड पार्टिकल्स ऑल्सो मूव रैंडमली, दे कैन नॉट मूव फ्रीली एज गैस मॉलिक्यूल बट दे ऑल्सो मूव रैंडमली मूव करते हैं. इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, दे कैन डिफ्यूज. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर मैं लू, इफ यू टेक वॉटर, ये पानी है और इसके अंदर एल्कोहल एड कर दीजिए, सम एल्कोहल टू इट, तो आप देखेंगे बोथ विल मिक्स टूगेदर, थोड़ी देर में दोनों ही मिक्स हो जाएंगे. So, all these examples clearly show that the particles of the liquids also randomly move and because of this randomly motion they can diffuse with one another. एक दूसरे के साथ ना सिर्फ डिफ्यूज हो जाते हैं बल्कि अपनी रैंडम मोशन की वजह से जो सॉलिड क्रिस्टल्स उनके अंदर हम डिजोल्व करते हैं उनको भी अपने साथ जो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं. सिंस इनकी रिस्ट्रिक्शंस, इनकी मूवमेंट जो है वो काफी स्लो होती है एज कम्पेयर टू गैसेस, इस वजह से देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन आर स्लो बट दे डू ऑल्सो डिफ्यूज इन द लिक्विड, जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस भी काफी एविडेंट होता है.